Hello friends, good morning. I have come with current affairs August 2020 important questions. Then the question number 1 is, which country will host the ICC Men's T20 World Cup? कौन सी कंट्री है जो मेजबानी करेगी ICC T20 Women's World Cup 2021 में जो होने वाली है? And the correct answer is answer B, India. इंडिया मेजबानी करेगी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 एज अ प्लान अर्लियर. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज एंड ऑल्सो ICC हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू पोस्टपोन द ICC वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 इन न्यूजीलैंड टिल फरवरी मार्च 2022 बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19. एंड ऑल्सो ICC ने डिसाइड किया पोस्टपोन किया ICC वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2021 में होने वाली थी न्यूजीलैंड में, अब वो फरवरी में ना होकर मार्च में 2022 में होगी इम्पैक्ट बिकॉज COVID-19 के अंतर्गत. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरमप्रीत कौर एंड विच अदर क्रिकेटर हैव बीन साइन एट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WTF स्पोर्ट्स इंडिया एंड ग्लोबल. हरमप्रीत कौर के साथ साथ वो कौन से क्रिकेटर हैं जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुने गए WTF स्पोर्ट्स इंडिया एंड ग्लोबल? एंड द आंसर इज शी, सुरेश रैना. एंड ऑल्सो फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स इंडिया एंड ग्लोबल वो 6 अगस्त 2020 जिसमें सुरेश रैना और हरमप्रीत कौर को WTF का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, वेयर विल द कवच 2020 स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज टेक प्लेस इन सितंबर 2020 इन विच इंडिया अलोंग विद सम अदर कंट्रीज विल टेक पार्ट. कवच 2020 स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज जो सितंबर 2020 में इंडिया किस देश के साथ हिस्सा लेगी? एंड द करेक्ट आंसर इज डी, रशिया, जिसमें इंडिया अगले मंथ सितंबर में हिस्सा लेगी कवच स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज में. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग दिस इज द फर्स्ट एवर स्टेट टू ज्वाइन हैंड्स विथ गूगल टू इंट्रोड्यूस गूगल क्लासरूम एंड जी शूट ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन. कौन सी सिटी है जो गूगल के साथ हाथ में हाथ मिला के ऑनलाइन क्लासेस क्लासरूम जी एजुकेशन स्टडी को ओपन करना चाहती है? तो वो देश है हमारा सी, महाराष्ट्र, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने टाइड अप किया विद टेक्नोलॉजी जायंट गूगल टू ऑनलाइन स्टडी के लिए. ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 5 इज In August 2020, Union Housing and Urban Affairs Ministry approved the construction of how many houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban? In August 2020, Union Housing Gaon Kshetra Minister ne kitne construction gharo ko manjuri di Pradhan Mantri Awas Yojana ke antargat? Then the answer number is B, 10.28 lakhs, जिसमें सरकार ने लक्ष्य रखा है 1.06 अंडर द स्कीम. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल IG इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF? एंड द ऑप्शन इज एंड द आंसर इज ए, PH रानीपेस. और ये उड़ीसा की IPS ऑफिसर भी हैं, PH रानीपेश. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री दूध उपाय योजना फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 1 and 6 ईयर एज? विच स्टेट, किस स्टेट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री दूध उपाय योजना जिसमें 1 से 6 साल के लिए बच्चे इस एंड द करेक्ट आंसर इज ए, हरियाणा. इसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा 1 से 6 सालों के बच्चों के लिए दूध और इसे प्रोवाइड करने वाली आंगनवाड़ी के तहत ये होगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अप द
लार्जेस्ट 400 बेड डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल इन विच सिटी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ पे सेटअप किया जाएगा 400 बेड कोविड-19 की, तो वो स्टेट कौन सी है? तो हमारा स्टेट हो जाएगा डी, नोएडा। द हॉस्पिटल हैज कैपेसिटी ऑफ 400 बेड एंड इट इज़ लार्जेस्ट रन कोविड फैसिलिटी इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लॉन्च्ड एप्लीकेशन कॉल्ड OHA इंस्पेक्टर फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग? एंड द ऑप्शन इज एंड द करेक्ट आंसर इज सी, इंडियन रेलवेज। पीयूष गोयल लॉन्च एप्लीकेशन OHA इंस्पेक्शन। इस ऐप के तहत नेशनल ट्रांसपोर्टेशन हम अपनी जल्दी समस्या को फाइंड आउट कर सकते हैं इस ऐप के तहत। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? एंड द आंसर इज बी, महिंदा राजा प्रकाश। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। बॉलीवुड फिल्म मेकर शिव पानीकर हैज लॉन्च्ड हिज फर्स्ट एवर ग्राफिक नोवेल टाइटल? एंड द ऑप्शन इज द गाइड, कौन केश, सी ऑफ पॉपीज इन कस्टोडी। एंड द आंसर इज बी, गोन केश। हाल ही में लॉन्च फर्स्ट ग्राफिक नोवेल गोन केश। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फ्लोइंग अपॉइंटेड हर्ष भानवाले एज इट्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैपिटल इंडिया फाइनेंस LTD। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड ग्रोथ इन डिस्पर्शन ग्रिड पॉलिसी टू गिव इंसेंसेटिव्स टू IT कंपनीज दैट विल सेटअप देयर यूनिट्स? किस स्टेट ने ग्रोथ या डिस्पर्शन ग्रिड पॉलिसी इंसेंटिव टू IT कंपनीज को बढ़ावा मिले उन वो अपना यूनिट्स को सेटअप कर सकें? एंड द ऑप्शन इज स्टेट्स मिजोरम, उड़ीसा, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 3, तेलंगाना। एंड इसके फाउंडेड 2 जून 2014 स्थापना हुई तेलंगाना की और इसका कैपिटल है हैदराबाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। पंजाब CM अमरिंदर सिंह लॉन्च विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टनरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट युवा फॉर यूथ डेवलपमेंट? और हम जानते हैं पंजाब के हमारे जो CM है वो अमरिंदर सिंह है। एंड द ऑप्शन इज एंड द करेक्ट आंसर इज प्राइड ऑफ पंजाब। और पंजाब की स्थापना 5th अगस्त, प्राइड ऑफ पंजाब जो 5th अगस्त 2020 में हुई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। What is the theme for 2020 World Biofuel Day? And the option is that. And the correct answer is A, Biofuel towards Atmanirbhar Bharat. And the next question is question number 16. The Indira Van Mit Yojana has been launched in which state of India? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, छत्तीसगढ़। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। ऑन संडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द लॉयलिटी प्लेटफॉर्म एंड रिवॉर्ड? एंड द ऑप्शन इज एंड द करेक्ट आंसर इज बी, NPCI, द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI हैज लॉन्च द लॉयलिटी प्लेटफॉर्म। एंड क्वेश्चन नंबर 18।
Which state cabinet approved policy on reserve of seats for women in village employment council? कौन से स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट ने अप्रूव्ड कर दिया है रिजर्वेशन ऑफ वोमेन विलेजेस एम्प्लॉयमेंट सीट को लेके? तो वो स्टेट हमारा कौन सा है? तो वो स्टेट है हमारा सी, मेघालय. ऑन 8 अगस्त 2020 द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन 50% सीट्स फॉर वोमेन इन द विलेज लेवल कम्युनिटी इंस्ट्रक्शन. और हमारा मेघालय का कैपिटल कहाँ? तो शिलोंग. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. हु लॉन्च्ड मोबाइल ऐप एज बैंक वेबसाइट फॉर हैंडलूम मार्क स्कीम? एंड द ऑप्शन इज दैट एंड द करेक्ट आंसर इज शी, स्मृति ईरानी, जो कि हमारी द यूनियन यूनियन मिनिस्ट्री भी है और टेक्सटाइल एंड वोमेन एज चाइल्ड डेवलपमेंट. एंड द क्वेश्चन नंबर 20. In August 2020, medicine van were flagged off the float victims of which state? And the option is that. And the answer is Bihar. Answer D. And the next question is question number 21. Which company signs MOU with the UP government under ODOP scheme? And the answer is she, Flipkart. On 8th August, e-commerce platform One District One Product ODOP scheme. One District One Product ODOP. Okay, the next question is question number 22. Which government announced new electric policy in which it will give an incentive of up to 1.5 lakhs for new car? विच गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया न्यू इलेक्ट्रिक पॉलिसी जिसके तहत 1.5 लाख न्यू कार्स इलेक्ट्रिसिटी प्रूव्ड? तो वो स्टेट कौन सी है? तो वो गवर्नमेंट है दिल्ली. आंसर बी. और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हमारे केजरीवाल सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया. इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी, इस ऐप के तहत रजिस्ट्रेशन फ्री होगा और रोड टैक्स भी फ्री होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. विच एयरपोर्ट डेवलप्स एयर सुविधा पोर्टल फॉर ऑल इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर अक्रॉस इंडिया? द ऑप्शन इज दैट एंड द करेक्ट आंसर इज डी, दिल्ली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. Which did Defence Minister Rajnath Singh launch Atmanirbhar Bharat Saptah? And the correct answer is B, August 10th. 10th August. And the next question is question number 25. Name the winner of 17th anniversary Grand Prix. And the option is that. And the answer is A, Max Verstappen. और ये रेडबुल नीदरलैंड्स जिसने 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है जो 9th अगस्त 2020 को यूके में हुआ था, यूके यूनाइटेड किंगडम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. इन अगस्त 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड विच कैंपेन टू फ्री इंडिया ऑफ गार्बेज एंड वेस्टेज? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, गंदगी छोड़ो भारत. पीएम नरेंद्र मोदी के तहत लॉन्च टू मुक्त भारत गार्बेज एंड वेस्टेज. द क्वेश्चन नंबर 27. इंडिया हैज साइन एस एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन? इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन किया डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन को लेकर? एंड द ऑप्शन इज दैट and the correct answer is B, Maldives. The next question is question number 28.
नेम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना टू प्रोवाइड मील्स. द करेक्ट आंसर इज ए राजस्थान. और वहाँ के सीएम है अशोक गहलोत. ऑन अगस्त 20 को ये और इसके तहत पुअर पीपल फूड फॉर जस्ट और इसके तहत गरीब लोगों को फूड प्रोवाइड होगा वो भी सिर्फ मात्र 8 रुपये देकर ₹8. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. हु लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी. एंड द ऑप्शन इज एंड द करेक्ट आंसर इज ए जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत. आंसर ए. और ये अगस्त 11 को दिल्ली में हुआ. और ये जो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो किस पार्टी के नेता हैं तो ये हमारे BJP के नेता हैं. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. विथ व्हाट थीम वाज द वर्ल्ड बाय फुल डे 2020 ऑब्जर्व्ड इन इंडिया. एंड द करेक्ट आंसर इज सी बाय फ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो सेलिब्रेट करेंगे एवरी ईयर 10 अगस्त को. तो ये तो फ्रेंड्स हमारा 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. थैंक्स अलॉट.